अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद ने दिलचस्प दावा किया है कि मारूफ भारतीय फनसाज़ महेश भट्ट इनसे इनकी रिहाइश का लाल हवेली पर फिल्म बनाने के लिए मिनतें करते रहे हैं लेकिन इन्होंने हर बार इनकार किया शेख रशीद की जानब से अपनी रिहाइश का लाल हवेली से मुतल बात करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें इन्होंने दावा किया कि इनकी हवेली पर भारतीय फेंसाज़ भी फिल्में बनाना चाहते थे शेख रशीद का कहना था कि महेश भट्ट दो बार भारत से पाकिस्तान आए और इन लाल हवेली में आकर मुलाकात की और इनसे अपनी रिहाइश मांगी इनके मुताबिक महेश भट्ट धनराज की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे और इनकी ख्वाहिश थी कि फिल्म की शूटिंग लाल हवेली में हो अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा का कहना था कि महेश भट्ट ने एक नहीं दो बार हिंदुस्तान से आकर इनसे लाल हवेली में फिल्म बनाने की इजाज़त देने की मिन्नतें की लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया इन्होंने ये भी वाजह किया कि लाल हवेली पर जितनी भी दस्तावेजी फ़िल्में बनी हुई हैं वो सब खुद ही बनाई गई हैं शेख रशीद ने शिकवा किया कि इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लाल हवेली उन्नीस मरले के रकबे पर फैली हुई है लेकिन सच्चाई इसके बरक्स है इन्होंने दावा किया कि लाल हवेली तीन मरले के रकबे पर फैली हुई है इन्हें ख्वा मखा तंग किया जा रहा है शेख रशीद ने यह भी कहा कि इन्होंने वसीयत कर रखी है कि इनके मरने के बाद लाल हवेली यूनिवर्सिटी को अतिया की जाए ख्याल रहे कि 16 अक्टूबर 2022 को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरू के वक्फ इमलाक रावलपिंडी ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा को सात रोज में लाल हवेली खाली करने के लिए नोटिस जारी करते हुए कहा था कि इस नोटिस की वसूली के सात रोज़ के अंदर अंदर जायदाद खाली करी जाए बसूरत दिगर कानून के तहत बजरिया पुलिस बेदखल कर दिया जाएगा बाद लाल हवेली को सील कर दिया गया था जिस पर इन्होंने अदालत से रुजू किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में पुलिस को लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म दिया था लाल हवेली रावलपिंडी के बोहर बाजार के मरकज में वाक़ है और शेख रशीद का सियासी दफ्तर भी यही कायम है मस्कूर इमारत पर मतरूक वफमलाक बोर्ड अपनी मालकी का दावा करता है कहा जाता है तकसीम हिंद से कबल यह हवेली हिंदू खातून के पास थी और उन्नीस में जब शेख रशीद ने सियासत में कदम रखा तो यह हवेली सियासी हब की हैसियत इख्तियार कर गई